राम राम जी, कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनिया बुटीक में। और भाई, मैं सूट्स की वीडियो नहीं डाल पाई थी कल, उसके लिए सॉरी। आज आप लोगों के लिए बुटीक की जो है वो स्टिचिंग वाली वीडियो लेकर हाजिर हूँ, क्योंकि इसकी भी डिमांड बाकायदा इक्वली रहती है दोनों चीज़ों की, कि भाई सूट भी दिखाइए हमें बुटीक में और सिले हुए भी दिखाइए। तो इसमें से जो जो भी अवेलेबल होगा और इसके अलावा जो भी अवेलेबल होगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? और स्टिचिंग भी दिखा दूंगी कि कैसे हमने किस चीज़ को कैसे प्रिपेयर किया है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले सूट के साथ में ही। तो पहला सूट हमने बनाया है इस तरीके से। ये बनारसी है डोला सिल्क पे, ठीक है, प्योर सिल्क है और उस पर बनारसी काम है। इस तरीके से हमने इसको गले की शेप जो है वो इस तरीके से दी है, ये वाली, ठीक है, क्योंकि जिसका ये है, ये मेरी भाभी जी का है बेसिकली, तो उनका साइज़ बहुत छोटी सी है, वो बहुत पतली सी दुबली सी है, तो इस तरीके से उनका ये सिंपल सोबर सा सूट, हैवी सा, इस तरीके से रेडी कर दिया है। और इसकी जो पैंट है वो पैंट में हमने नीचे कटवर्क दिया है, ये देखिए कट दिया है इसमें सिंपल, ये वाला साइड कट दे दिया है। तो इस पे यहाँ पे गोल्डन कलर का अगर और एक बटन लगा देंगे तो और भी ज़्यादा फिनिशर आ जाएगी, बट इस तरीके से उनको सिंपल सोबर सा चाहिए था तो वो बना दिया। पाइपिंग हर जगह लगाते हैं, बैक में भी साइड्स में भी। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ये वाला पर पेट्रोल कलर का। इसकी हैवी डिमांड है आप लोगों की कि भाई ये वाला सूट हमें भी चाहिए, तो 5-7 दिन में जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे। भाई इसमें हमने पाइपिंग हटवा दी थी, ठीक है, एक बार बीच में इसी डिज़ाइन में पाइपिंग आई थी लगी हुई आगे से ही, बट उसका क्या हो रहा था कि साइज़ का इशू पड़ रहा था, तो ये वाली पाइपिंग जो है ये हमने लगाई है। ये पाइपिंग, ये देखिए कितनी बारीक है, डोरी डली हुई है इसके अंदर, और ये बटन जो है वो हमने बना के लगाए हैं इस पर कंट्रास्ट से, ठीक है। तो पाइपिंग वाला जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो के ये वाला ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें साइज़ का, लेंथ का इशू नहीं रहता बेसिकली, कि हम कितना भी छोटा लंबा बनवा सकते हैं। ये इसमें डिज़ाइन था, ये देखिए जो घेरे पे इस तरीके से कढ़ाई थी, तो साइड्स में जो है इतना इतना प्लेन आ गया, साइड में दे दी हमने वाइट कलर की डोरी पाइपिंग, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से बनाते तो उनका साइज़ कम पड़ रहा था, और इसमें आता है इतना ही साइज़। ओके जी, इस तरीके से साइड में वाइट कलर की पाइपिंग है। अब दिखा देती हूँ इसकी बाजू, तो ये देखिए बाजू, ये जाम कॉटन पे है भाई, विदाउट इनर बना है, जाम कॉटन पे है। ये पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी आ रखी थी लास्ट में, तो हमने वाइट कलर की पाइपिंग दे दी है, दोनों चीज़ें आ गई और एम्ब्रॉयडरी का भी जो है वो बहुत बढ़िया सा लुक आ गया। इसकी बॉटम दिखा देती हूँ, ये देखिए इसकी बॉटम, इसकी सलवार पे भी सेम काम था, और ये देखिए जो लास्ट वाली एम्ब्रॉयडरी वाली लाइन है वो पहुँचे गए बिल्कुल लास्ट वाले लाइन पर आई है, ठीक है, ये देखो इस तरीके से। ये सभी आप लोगों के ही हैं, ऑनलाइन में जो बुकिंग हुई है वही वाले हैं। मैं का भेजने से पहले एक बार आप लोगों को ज़रूर दिखा देते हैं। तो ये देखिए रानी कलर का सूट है और जाम कॉटन में ये विदाउट इनर बना है भाई, वाइट कलर की पाइपिंग हमने गले पे लगाई, ये पाइपिंग आगे से आई थी, इसमें फिनिशिंग थी तो हमने इसको नहीं छोड़ा है। बटन लगे हुए हैं ब्लैक, और इधर से बाजू हैं, बाजू पे देख लीजिए पाइपिंग कितनी फिनिशिंग के साथ में है, ठीक है, पूरा प्रॉपर। ये वाला आ जाता है घेरे पे, मतलब इतना अच्छा सूट है, सिंपल सोबर पार्टी वियर, आप कहीं पे भी इसको वियर कर सकते हो, कहीं शादी में भी, पार्टी में भी, नॉर्मल फंक्शन में भी और घर पे भी, ये घेरे पे काम आ जाता है इस तरीके से। चाक पे भी पाइपिंग है, बैक गले में पाइपिंग है, आर्म होल प्लेट्स डली हुई हैं, यहाँ पे बैक प्लेट्स डली हुई हैं, ठीक है, ताकि फिटिंग जो है वो प्रॉपर आ जाए। इसकी बॉटम है भाई ये वाली, ये चिकनकारी में है, पूरी सलवार पे जो है वो काम है, तो जो काम था नीचे कटवर्क को रखा था वो कटवर्क देखिए हमने पहुँचे पे इस तरीके से बना दिया है, ठीक है, ये इनके 3 इंच के पहुँचे और नीचे जो है वो ये वाला कटवर्क आ जाता है, पूरी सलवार पे इस पर हैवी चिकनकारी वाला काम हो रखा है, ठीक है। और क्योंकि ये वाइट था तो इसीलिए इसमें इनर लगवाया उन्होंने, ताकि थोड़ा सा भी मतलब ट्रांजिन आ रहे, वाइट है इस वजह से, बाकी कोई कंपल्शन भी नहीं है, आपकी मर्जी है। ये देख लीजिए, ये भी मेरे ही कलेक्शन का है, आप लोगों ने, बहुत लोगों के पास तो पहुंच चुका है, बहुतों के पास पहुंचेगा, और किसी का ऑर्डर है तो वो भी मिल जाएगा। इन मैंने प्लेट्स डलवाई है ब्लाउज वाली, इधर से भी और फ्रंट में भी, ठीक है, तो इसका अलग पैटर्न है, ये वाला फ्रंट में पूरे पे एम्ब्रॉयडरी है, साइड्स में हमने दे दी है ये रानी कलर की पाइपिंग, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी से मैच करती हुई गले पे पाइपिंग है। ये आ जाती है इसकी बाजू जॉर्जेट में ही, ये मोहरी पे देख लीजिए एम्ब्रॉयडरी, ये पाइपिंग आ जाती है रानी कलर की,
बैक में भी पाइपिंग है और बैक प्लेट्स भी हैं, तो फिटिंग इनकी प्रॉपर आएगी क्योंकि इनकी डिमांड यही थी कि मुझे ब्लाउज वाली प्लेट्स चाहिए सूट में। तो ये देख लीजिए, ये है सलवार इसकी। इसकी सलवार पे भी जो है वो कढ़ाई दे रखी है, दोनों पोंचे पे इस तरीके से कढ़ाई है और पोंचे में इन्होंने करवाया है कटवर्क, ठीक है, ये वाला कटवर्क। और कटवर्क में भी डिजाइनिंग देख लीजिए, बड़ी प्यारी सी जो है वो डिजाइनिंग हुई है, कटवर्क भी जो हो चुका है। ये भाई जाएगा जीन, ये वाला सूट जाएगा जीन में, सारे जो है वो उसी साइड के हैं, जीन, हिसार, गुड़गांव। ये देख लीजिए अगला, ये है गंगा का जाम कॉटन का, बिल्कुल प्लेन था। एक आंटी का है यही पास में से ही, तो इन्होंने बोला कि गले पे कुछ ऐसा बना देना कि ज़्यादा ऑकवर्ड भी ना लगे और बिल्कुल सिंपल भी ना रहे, तो इस तरीके से हमने ये वाला टाई पट्टी देके और बटन्स लगा दिए हैं पिस्ता कलर के, क्योंकि इस पे जो है वो मैचिंग में पिस्ता कलर का दुपट्टा है, ठीक है। बाजुओं पे पाइपिंग दे दी है पिस्ता कलर में ही और साइड्स में दे दी है, तो एक कुर्ती लुक भी हो गया है और प्रॉपर जो है वो दुपट्टे से भी कंबाइन हो चुका है ये वाला सूट। नेक्स्ट आ जाते हैं इस तरीके से, ये देख लीजिए, ये भी जाम कॉटन में, इसका कलर ऐसा है ना, तो ये रेड है ना ये रानी है, ये चेरी शेड में है, बड़ा प्यारा सा कलर है, बहुत प्यारा कलर है, ठीक है। ये देखिए ब्लैक कलर की पाइपिंग दे दी है, ये एम्ब्रॉयडरी है इस पर ऊपर से नीचे तक, ये मैंने अपने वीडियोज़ में दिखाए हैं, आप लोगों ने बहुत पसंद करे हैं, ठीक है। नीचे इस तरीके से है घेरे पे कढ़ाई, साइड्स में हमने दे रखी है पाइपिंग ये ब्लैक कलर में, और बाजुओं पे तो है ही, फ्रंट और बैक गला पूरे में पाइपिंग होती है, आर्म होल और बैक प्लेट होती है, ठीक है। ये आ जाता है एक और जॉर्जेट का कढ़ाई वाला पीस, स्काई ब्लू कलर का, मैंने बताया था कि भाई मैंने बनने के लिए दिया है अपना, तो ये मेरा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए गले पे पोटली बटन्स का डिज़ाइन किया है, और पोटली बटन्स में भाई हमने ये कॉटन या कुछ नहीं लगाया, इसमें मोती लगे हुए हैं, जो रियल मोती होता है ना वो वाला वाइट मोती इसमें डाला है, और कॉम्बिनेशन करके इस तरीके से गले पे डिज़ाइन है। ये एम्ब्रॉयडरी थी गले पे ही। नीचे आ जाते हैं तो ये देखिए, ये कढ़ाई थी इस पर, क्योंकि यहाँ पे मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा प्लेन आ रहा था, तो साइड में आ गई है बिल्कुल मैचिंग करती हुई येल्लो कलर की पाइपिंग, ठीक है, इस तरीके से। ये फ्रंट है, ये बैक आ जाती है पाइपिंग समेत। बाजुओं पे देख लीजिए, ये है बाजू, बहुत सुंदर सा इस पे मैंने कटवर्क करवाया है, कटवर्क करवा के और पाइपिंग दे दी है येलो कलर की है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो करवा सकते हो, जैसा भी जिसकी भी डिमांड है। ये देख लीजिए इसकी बॉटम, इसकी बॉटम पे जो है ये वाला काम था, मर्जी थी कि इसको बाजू पे लें या उस सलवार पे लें, तो मैंने इसको लिया है सलवार के पोंचे पे, इस तरीके से जो है वो फूल आ गया। नीचे जो है वो कटवर्क है, देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ जो है वो हर काम मिलेगा आपको, ये है। और ये वाले सूट भाई फुल इनर बने हैं, क्योंकि जॉर्जेट है तो पूरे में इनर है। ये देख लीजिए कॉटन का सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, विदाउट इनर बना है। ये कैटलॉग भी मैंने आप लोग के साथ शेयर करी थी। ये है वाइट कलर की, इसमें पाइपिंग दे रही है। ये देखिए बाजुओं पे कटवर्क दे दिया है इस तरीके से, आजकल कटवर्क बहुत फैशन इन है, और साइड्स में चाक पे पाइपिंग है, बैक गले में पाइपिंग है, प्लेट्स वगैरह है, सारी चीज़ें, ताकि फिटिंग प्रॉपर आए। ये है इसकी पैंट, तो ये देखिए पैंट की मोहरी पे भी इस तरीके से आपको कटवर्क मिल जाता है, ठीक है, ये वाली प्रॉपर फिटिंग की पैंट है। अब आ जाते हैं भाई मोस्ट डिमांडेड मेरून कलर के सूट पे, जिसकी कि आप लोगों की बड़ी डिमांड हो रही है कि भाई मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, बट स्टॉक जो है वो बहुत कम मिल पा रहा है। तो ये देख लीजिए मेरून कलर का, इस तरीके से गले पे एम्ब्रॉयडरी आ रही है, ठीक है, ये आ रही है चाक पे दोनों साइड में। इन बैंड का साइज जो है वो इतना परफेक्ट था कि जो चाक वाली कढ़ाई है वो बिल्कुल जो है वो परफेक्ट जगह पर आ गई है, ठीक है। तो दोनों साइड्स में हमने फिर भी पाइपिंग दी है ताकि फिनिशिंग आए, बढ़िया सा लगे लुक। और ये देख लीजिए बाजू, ठीक है, बाजू की मोहरी पे इस तरीके से कटवर्क कर दिया है। इन्होंने तो सलवार पे ही बोला था, बट हमने जो है वो बाजू पे भी कटवर्क करके और पाइपिंग दे दी है। बैक गले में जो है इस तरीके से पाइपिंग। भाई कुछ आप सजेस्ट कर देते हो और कुछ हम अपनी तरफ से कर देते हैं, तो निकल के आ जाती है बढ़िया सी चीज़। ये देखिए, ये है इसके पोंचे, पोंचे पे भी कढ़ाई दे रखी है कटवर्क करके और उसमें पाइपिंग लगा दी है, ठीक है भाई। जो भी डिजाइनिंग होती है वो एक्स्ट्रा चार्जेबल होती है, जितना भी जिसमें भी मेहनत होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये देख लीजिए, ये है एक सिंपल सोबर सा, इसमें सिर्फ पाइपिंग लगी है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से बंदेज प्रिंट में है और सिंपल सोबर सा है, छोटी बाजू है, गोल्डन कलर की पाइपिंग दे रही है। पार्टी वेयर सूट जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब लास्ट सूट दिखा देती हूँ आज के वीडियो का, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये देख लीजिए कॉटन का, ये मैंने शायद एक दो दिन पहले ही आप लोग के साथ इसका रिपीट कलेक्शन शेयर किया था,
कॉटन का सूट है, मस्टर्ड कलर की पाइपिंग लगा दी है क्योंकि डेली यूज का है और बहुत सिंपल सोबर सा है। ठीक है, पाइपिंग से ही जो है वो सूट की वैल्यू भी बढ़ जाती है, कॉस्ट भी बढ़ जाती है और लुक तो बढ़ ही जाती है। इस तरीके से बाजू पे पाइपिंग है, बैक गले पे और ये वाली। ठीक है, तो ये था आज का स्टिचिंग वाला कलेक्शन। पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि आपको जो आवाज़ में डिस्टर्बेंस ना हो। तो चलिए, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ भाई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ में ही, और इसी तरीके से अपना प्यार साथ और सपोर्ट जो है वो बनाए रखिएगा, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।